बेंगलोर में गाड़ी नहीं जा सकती। बेंगलोर क्या जाने? बोल रहे हो भाई है? क्या बोल रहे हो? राम राम भाई सारे भाइयान, मैं विक्की खत्री अपने चैनल एबी कैब वाला के एकदम न्यू और फ्रेश व्लॉग में करता हूं भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। आज तारीख हो गई है 30 अक्टूबर 2023 और टाइम है सुबह के 9:10। मेरा पिकअप था 9 बजे का हजरत निजामुद्दीन दरगाह से, जो कि मेरे सब्सक्राइबर आए हैं भाई बेंगलोर से। इन्होंने यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखा होगा तो कॉल किया था इन्होंने। तो भाई आज जो अपने सब्सक्राइबर भाई हैं उनके साथ करेंगे दिल्ली एक्सप्लोर। भाई दिन तो है मंडे का, बहुत सारी चीजें बंद रहती हैं, मगर भाइयों का आना हुआ भाई मंडे को, तो मंडे को जो जो चीजें ओपन है वो करेंगे एक्सप्लोर। और इसी बहाने से आप सारे ड्राइवर भाइयों में भी भाई बेरा पार जाएगा मंडे को, कौन कौन सी जगह ओपन रहती है और कौन कौन सी बंद रहती है। तो आने वाला है मजा, अपने को तो रोज ही मजा आता है, रोज ये बात बोली जाती है। तो आने वाला है मजा इस वाले व्लॉग में, मंडे के दिन 30 अक्टूबर 2023 टाइम सुबह के 9:12 मैं पहुंच चुका हूं भाई पिकअप लोकेशन पे हजरत निजामुद्दीन दरगाह। पैसेंजर सिर्फ चाय पी रहे हैं, अभी बात हुई थी मेरी, वो चाय पी के जैसे ही बाहर आते हैं तो मिलते हैं उनसे और भाई करेंगे दिल्ली एक्सप्लोर। बने रहना है व्लॉग में आखिर तक और 5 बजे तक की अपनी ये ड्यूटी है, तो जब जो घटनाएं घटेंगी हर चीज के बारे में अपडेट रहेगा आपको। तो भाई मिलते हैं पैसेंजर के आने के बाद। क्या हाल है? अच्छा ठीक हो? मिली गई अच्छा ना? बढ़िया बढ़िया ठीक है। मैं YouTube से बात वीडियो देख रहा आपको, तभी आपने कॉल किया ना? हो गया वीडियो देख के कॉल करेगा आपको, बहुत बहुत खुश हो गया। कब तक आ रहे हैं अभी? मैं 2 दिन इधर, वो आज और कल, अभी आएगा वो फैमिली है साथ में। ठीक है चलो, कैसा रहा सफर दिल्ली में? ट्रेन में ठीक रहा है ना? ट्रेन में ठीक रहा? हाँ ट्रेन ठीक है आराम से। यहाँ पे होटल लिया है? अब इधर रूम करके थोड़ा लेट हो गया, 10-11 बजे हो गया। ओके के बाद आपका कॉल करेगा, मैसेज करेगा ना? हाँ, कर रहता ठीक है भाई। तो भाई निजामुद्दीन से निकल के हम पहुंच गए हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की पार्किंग में मैं लगा रहा हूँ गाड़ी, और जैसा हर वीडियो में मैं बताता हूँ भाई 10 रुपये लगते हैं 1 घंटे के लिए, उसके बाद हर घंटे के लिए 10 रुपये चार्ज बढ़ता रहेगा। तो अभी पहुँच गए हैं भाई यहाँ पर, और अभी गाड़ी लगा देता हूँ मैं तो, और पैसेंजर जाएंगे अंदर, और जब आ जाएंगे तो फिर चलेंगे भाई कोई दूसरी जगह पे, जब तक बने रहो भाई। कुतुब मीनार पहुंच गए हैं हजरत निजामुद्दीन दरगाह से। जैसा मैंने बताया ही था, ये अपने भाई सब्सक्राइबर हैं जो कि अभी मैं लेके आया हूँ इनको, बेंगलोर से आए हैं और निजामुद्दीन पे इनका होटल है। तो आज मंडे का दिन है भाई, जो जो जगह है ओपन होंगी वो दिखाते हैं। बाकी अभी छोड़ दिया है कुतुब मीनार पे, 10:20 हो गए हैं, और जिसके बाद देखते हैं भाई कौन सी जगह पे जाना होगा। मोस्टली जगह है तो आज बंद है, फिर भी जो जो ओपन है वहाँ लेके चलते हैं भाई पैसेंजर को। तो भाई पहुँच गया हूँ आज ऐसी जगह पे जहाँ अभी तक मेरे किसी भी व्लॉग में आपने ये जगह नहीं देखी होगी। तो आज मंडे की वजह से यहाँ का भी नंबर आ गया भाई, क्योंकि बाकी तो सारी जगह बंद हैं और जो जो ओपन है उसमें ये जगह भी शामिल है। तो अभी पार्किंग में गाड़ी लगा दी है, चूँकि भाई मैं कभी यहाँ अंदर गया नहीं हूँ, कभी किसी व्लॉग में आपने मेरे देखा नहीं है, तो यहाँ मैं अंदर भी पहुँच रहा हूँ और आपको बताता हूँ इसके बारे में। पार्किंग फ्री है और बताता हूँ कौन सी जगह, बताता क्या हूँ भाई, बता ही रहा हूँ। ये है सफदरजंग टॉम लोधी रोड के अपोजिट एकदम टी पॉइंट पर, तो यहाँ पर आ सकते हो भाई मंडे को। बाकी तो जो बंद है तो क्या कर सकते हैं, पैसेंजर अंदर जा चुके हैं और मैं भी आपको दिखाता हूँ सफदरजंग टॉम। टाइमिंग सुबह 8 से शाम के 5 बजे तक। भाई कुछ दिख जाए तो ये पढ़ लियो थोड़ा बहुत सफदरजंग टॉम के बारे में, वैसे गूगल पे तो आजकल सब कुछ है ही। और ये भाई स्कूल का आ रहा ग्रुप, बच्चे करेंगे मजे। लाइन में बिना लाइन नहीं चलना है, ध्यान रखियो लाइन नहीं तोड़नी है, एकदम बस में जगह नहीं मिलेगी फिर। मजे जल्दी, जय श्री राम। चलो जल्दी जल्दी, बस में जो सीट नहीं मिलेगी, जल्दी भागो। चलो चलो भाई, टिकट है 25 रुपये का ऑफलाइन और 20 रुपये का ऑनलाइन।
भाई ये है एंट्री यार। भाई मैं हूँ अभी सफदरजंग टोम के अंदर। 25 रुपए का यहाँ पे भाई टिकट लगता है और एक भीड़ भाड़ से अलग कुछ शांत सा वातावरण है भाई यहाँ पे। और पैसेंजर भी यहीं घूम रहे हैं अपने, करने दो एंजॉय। और मैं भी फर्स्ट टाइम इसके अंदर आया हूँ भाई, इतने सालों से टैक्सी चलाते हुए, क्योंकि टाइम ही नहीं बचता और सारी चीज़ों के चक्कर में फटाफट 8 घंटे 80 किलोमीटर में आज टाइम था तो भाई यहाँ का चांस लग गया। तो ठीक ठाक है, टिकट भी महंगा नहीं है, पार्किंग फ्री है, प्लस कुछ भीड़ भाड़ से अलग एकदम शांत सा वातावरण है भाई। तो एक बार तो विजिट करना बनता है यहाँ पे भी। ये देखो गार्ड भाई यहाँ अपने बैठे हैं यहाँ पे, और सरसों का तेल सर पे ज़्यादा लगा दिया, दूर से ही चमक रहे काम क्या भाई। तो ये संडे को बंद होता है क्या? अच्छा, 7 दिन ओपन रहता है। लाल किला बंद होता है सोमवार। आज तो सब कुछ बंद है, जब तो यहाँ का नंबर आ गया अपना आने का। आ जाओ धीरे धीरे, बहुत ऊंचा ऊंचा पेड़ी है, बहुत ऊंचा ऊंचा है। देखो भाई ये अपने पैसेंजर हैं जो आए हैं कर्नाटक से, ये घूम रहे हैं अभी सफदरजंग टॉम आज सब। बाकी तो सब बंद है, जो खुला है वही देख रहे हैं। भाई कंप्लीट सफदरजंग टॉम। पार्किंग तो लगता नहीं है, पर गार्ड भाई को चाय पानी की सेवा कर दिया। भाई सफदरजंग टॉम के बाद हम आ गए थे सरोजिनी नगर मार्केट। पैसेंजर गए थे सरोजिनी नगर मार्केट और 3 बज गए हैं, तो पैसेंजर का कॉल आया है निकलने के लिए यहाँ से, तो मैं पहुँच रहा हूँ पैसेंजर के पास और इसके बाद शायद पहुँचेंगे इंडिया गेट। बाकी अगर और कहीं भी जाते हैं तो भाई करता हूँ आपको अपडेट। तो ले लेते हैं पैसेंजर को, वेट कर रहे हैं वो गेट के बाहर मार्केट के। अरे खा लो ना आप ही, बच्चों को दे दो। पूरा पूरा खाता है, सबने कर दिया है। अभी किधर जाएगा भाई? इंडिया गेट। बेंगलोर से गाड़ी नहीं जा सकती, बेंगलोर तो इंडिया गेट ही जा सकते हैं बस। क्या बोल रहे हो, क्या मेरी बुराई तो ना कर रहे हो तुम? आपका वो तो दो लोग मिस हो गया मान लिया। ये है राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन का ना। हाँ वीडियो बना रहे हो ना, रुकने नहीं देगा। सामने पार्लियामेंट हाउस है नए वाला, वो है ना पार्लियामेंट। ये राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन वो पुराने वाला पार्लियामेंट है वो भाई। इंडिया गेट सरोजिनी नगर से निकल के राष्ट्रपति भवन पार्लियामेंट होते हुए पहुंच गए हैं इंडिया गेट। 3:30 हो गए हैं और अपना है लास्ट डेस्टिनेशन। इसके बाद मैं छोड़ दूंगा पैसेंजर को भाई हुमायूं टॉम, वहाँ इनका होटल अपोजिट साइड ही है दरगाह पे, तो उनको वहीं पे ड्रॉप करके ये अपना देख लेंगे भाई हुमायूं टॉम, और मैं निकल जाऊंगा अपने घर के लिए। बाकी फिर भी अगर कोई और भी कार्रवाई बनेगी तो करूंगा आपको अपडेट। तो लगे रहो भाई खींचने पे काम। भाई इंडिया गेट दिखाए ब्लॉग में हो गए थे काफ़ी दिन, तो देखो भाई जो नहीं आ पा रहे हैं अभी हाल फिलहाल तो फ़ोन में ही देख लो, बेड कम ही है, ज़्यादा है नहीं क्योंकि वर्किंग डे है। तो भाई अपनी बुकिंग का जो है एंड हो गया है। हाँ। ये अपने साथ थे, जो कैसा रहा आज का दिन? आराम से बंद तो बहुत कुछ था, बहुत कुछ था, अच्छा हो गया पूरा घूमने के लिए। अच्छा बहुत अच्छा हो गया, बहुत खुश रहा है पूरा। हंसी मजाक से पूरा टाइम निकल गया। अच्छा पूरा दिल्ली में घूमने के लिए अच्छी तक। बाकी भाई 5 बज गए हैं और इंडिया गेट देख के अभी छोड़ रहा हूँ इनको हुमायूं टॉम। वहाँ पास में ही होटल है, तो होटल चले जाएंगे, वहाँ से खुद ही नजदीक में ही है। ठीक है भाई, ठीक है। और बाकी कोई आपका बंदा दिल्ली आए तो मेरा नंबर जरूर देना। ठीक है। अभी कभी दिल्ली में आया तो आपके नंबर पे कॉल कर रहा हूँ। हाँ जरूर, बहुत शुक्रिया।
तो भाई ड्रॉप कर रहे हैं, वो भी फिर करते हैं बात इस ट्रिप के बारे में। ठीक है, तो भाई अपनी बुकिंग का हो गया है एंड, जो कि 8 घंटे 80 किलोमीटर की बुकिंग आई थी मेरे पास कर्नाटक से, मेरे सब्सक्राइबर थे उनकी। तो आज भाई मंडे का दिन था, बहुत सारी जगह तो बंद थी, तो जो जो हो पाया वो सब किया एक्सप्लोर अच्छी तरीके से। बंद तो जरूर था मगर भाई जो भी जगह देखी बड़े आराम से देखी और हंसी मजाक पूरे हंसते खेलते पूरे एंजॉय करते हुए आज का दिन भाई गया है बीत। पैसेंजर को मैंने लास्ट ड्रॉप कर दिया है हुमायूं टॉम्ब, वहीं पे उनका होटल है जो कि वो पैदल ही चले जाएंगे। तो भाई बड़ा मजा आया। तो भाई बात करें कहाँ कहाँ गए आज, तो सबसे पहले कुतुब मीनार, उसके बाद सफदरजंग टॉम्ब, पहली बार आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा, फिर सरोजनी नगर मार्केट, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस के सामने से होते हुए इंडिया गेट, और लास्ट में ड्रॉप किया हुमायूं टॉम्ब। तो ये टोटल था भाई, अगर कल इनको गाड़ी की जरूरत पड़ती है तो कॉल करेंगे, और जो बंद एरिया थे आज वो कल कवर हो जाएंगे अगर कॉल आया तो, बाकी नहीं तो आज का तो एंड हो ही गया है। तो भाई कैसा रहा जो भी आपने देखा बताओ कमेंट करके कैसा लगे आपको, और आप लोगों का कैसा काम चल रहा है ये तो बताते ही नहीं हो आप यार, मैं रोज बोलता हूँ, बताया करो कमेंट करके, अच्छा है बुरा है कम है ज़्यादा है जरूर बताया करो इस बारे में बात कॉल करके, ताकि भाई एक दूसरे को पता चलता रहे। तो भाई इस वाली बुकिंग का एंड करके मैं पहुंच रहा हूँ घर, और इस वाले व्लॉग में भी सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे कल भाई किसी नए व्लॉग में, नए पैसेंजर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो जब तक अपने भाई विक्की खत्री को दो इजाजत, भाई सारे भाइयों ने राम राम, जय हिंद जय भारत। Thank you.